नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फैक्ट मास्टर पर। दोस्तों, पर्यावरण से संबंधित बहुत सारे प्रश्न मैंने लगभग करवा दिए हैं। कुछ प्रश्न ऐसा लग रहा था कि ये प्रश्न भी आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। प्रश्नों का स्तर थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन प्रश्न बहुत ही अच्छे हैं, तो सोचा इन प्रश्नों को आपके बीच लेकर आऊँ। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सूची वन में पौधे दिए हैं और उनके उपयोग के बारे में सूची टू में बताया गया है। ब्राह्मी, सदाबहार, पुदीना, तुलसी और एक तरफ मधुमेह दूर करने वाला वाथर, कफोत्सारक, मस्तिष्क का टानिक। दोस्तों, ऐसे देख लीजिए, ब्राह्मी जो होता है वो मस्तिष्क का टानिक होता है। सदाबहार जो है, सदाबहार से मधुमेह को दूर करने वाला होता है सदाबहार। और जो पुदीना होता है वो वात हर होता है, और तुलसी जो होता है वो कफोत्सारक होता है। ठीक है, ब्राह्मी मस्तिष्क का टॉनिक, सदाबहार मधुमेह दूर करने वाला, पुदीना वाथर और तुलसी कपोत्सारक। तो इसका जो विकल्प सही होगा वो विकल्प सही होगा बी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। लौह अंश सबसे अधिक पाया जाता है सेम में, अंडों में, हरी सब्जियों में या दूध में। दोस्तों, लौह अंश जो पाया जाता है वो पाया जाता है हरी सब्जियों में। अगला प्रश्न, प्रोटीन एवं वसा दोनों की प्रचुरता किसमें होती है, नारियल में, मूंगफली में, सोयाबीन में या सूरजमुखी में। प्रोटीन और वसा की दोनों की मात्रा किस में पाई जाती है? दोस्तों, ये पाई जाती है मूंगफली में, तो विकल्प बी सही होगा। अगला प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है। निम्न में से किस फल में लौह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जामुन, करौंदा, लौकाट या अमरूद। दोस्तों, लौह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है करौंदे में। गेहूं में रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करने वाला पदार्थ है ग्लूटिन, ग्लोबुलिन, ग्लाइसिन या लाइसिन। गेहूं में रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करने वाला जो पदार्थ है वो है ग्लूटिन, याद रखिएगा। एकदम नए प्रश्न है, बहुत अच्छे प्रश्न है। सर्वाधिक प्रोटीन की मात्रा होती है चने में, मटर में, सोयाबीन में या गेहूं में। तो दोस्तों, सोयाबीन में जो है सर्वाधिक प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। पालक के पत्तों में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है, विटामिन की, आयरन की, वसा की या कार्बोहाइड्रेट की। दोस्तों, पालक में सर्वाधिक आयरन पाया जाता है। अगला प्रश्न, पादप लय एक सुविधा है यानी फाइटोट्रॉन क्या है, ये देखिए आप IAS 2000 में पूछा गया है। रोग मुक्त परिस्थितियों में पौधों को उगाने के लिए, पौधों की संकटापन्न प्रजातियों के संरक्षण के लिए, नियंत्रित परिस्थितियों में पौधों को उगाने के लिए, उत्परिवर्तन प्रेरित करने के लिए। फाइटोट्रॉन एक सुविधा है, बताइए किसके लिए? दोस्तों, ये होती है नियंत्रित परिस्थितियों में पौधों को उगाने के लिए, इसको बोलते हैं फाइटोट्रॉन। अगला प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है और कई बार पूछा भी गया है। हरित क्रांति में प्रयुक्त पादप फसल कौन सी थी, जैपोनिका चावल, भारतीय चावल, एमर गेहूं या मैक्सिकन गेहूं, बताइए। दोस्तों, हरित क्रांति में प्रयुक्त तो जो फसल थी वो थी मैक्सिकन गेहूं। आगे बढ़ेंगे। पुदीना के निम्नलिखित भागों में से किस एक में तेल का अधिकतम प्रतिशत पाया जाता है, जड़, तना, पत्ती या पुष्प। दोस्तों, तेल में जो है सबसे अधिकतम जो प्रतिशत पाया जाता है वो पत्ती में पाया जाता है। अगला प्रश्न, केसर मसाला सेफ्रन स्पाइस बनाने के लिए पौधे का निम्नलिखित में से कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है, पत्ता, पंखुड़ी, बाह्यदल या स्टिग्मा, जिसे वर्तिकाग्र भी बोलते हैं। दोस्तों, स्टिग्मे का प्रयोग किया जाता है, वर्तिकाग्र का प्रयोग किया जाता है, विकल्प डी सही होगा। प्रोटीन की अधिकतम मात्रा पाई जाती है सोयाबीन में पाई जाती है, आप सभी जानते हैं। लाल मिर्च तीखी होती है क्योंकि उसमें पाया जाता है रिसिन, कैपेसिन, सेसिन, एरिकोलिन या कैफियाल
ये भी प्रश्न बहुत अच्छा है। तो ये पाया, इसमें पाया जाता है कैप्सेनिन, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का कारण है, क्लोरो यौगिक, सल्फर यौगिक, फ्लोरीन यौगिक या एसिटिक अम्ल। दोस्तों, लहसुन की जो अभिलाक्षणिक गंध है वो सल्फर यौगिक के कारण होती है। निम्नलिखित में से कौन लौह का अच्छा स्रोत है, गाजर, मटर, चावल या पालक। दोस्तों, लौह तत्व जो पाया जाता है वो सबसे अधिक पालक में पाया जाता है। अगला प्रश्न, कैनोला मानव उपभोग के लिए उगाई गई विशिष्ट प्रकार की तिलहन सरसों की किस्मों को निर्दिष्ट करता है, इन किस्मों की विशेषता क्या है। इनके बीज में तेल की मात्रा अत्यधिक उच्च होती है, इनके तेल में असंतृप्त वसा अम्लों की प्रचुरता होती है, इनके तेल की सेल्फ लाइफ लंबी लंबी होती है, इनके तेल में एसिटिक अम्ल की बहुत अल्प मात्रा होती है। दोस्तों, इनके तेल में एसिटिक अम्ल की बहुत अल्प मात्रा होती है, तो विकल्प डी सही होगा। अगला प्रश्न, इसमें भी दोस्तों सूची दी हुई है, एक तरफ सूची दी हुई है, उससे मिलान करना है। दोस्तों, टेस्टोस्टेरॉन जो है एक पुरुष हार्मोन होता है, आप सभी जानते हैं। कोडीन क्या है? कोडीन एक बेहोशी की दवा है। कुचुक क्या है? कुचुक जो है ये रबर का स्रोत है, ठीक है। और यूजेनॉल क्या है? ये लौंग का सुगंधित तेल है, ठीक है। टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन है, कोडीन बेहोशी की दवा है, कुचुक जो है रबड़ का स्रोत है, और यूजेनॉल एक लौंग का सुगंधित तेल है, तो इसका विकल्प ए सही होगा। अगला प्रश्न, हींग प्राप्त होती है, फिरुला आस्सा फोर्टिडा पौधे के किस भाग से। दोस्तों, हींग का जो बॉटनिकल नेम है वह है फिरुला आस्सा फोर्टिडा। दोस्तों, हींग जो प्राप्त होती है वो प्राप्त होती है जड़ से, याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, चुकंदर के किस भाग से शक्कर प्राप्त की जाती है, पत्ती से, जड़ से, तना से या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, चुकंदर के जो है अगर भाग की बात करें तो चुकंदर जड़ कहलाती है, ठीक है, और जड़ से ही शक्कर प्राप्त की जाती है। अगला प्रश्न, करक्यूमा डोमेस्टिका के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है, जड़ से, प्रकंद से, पत्ती से या पुष्प से। दोस्तों, प्रकंद होती है हल्दी, ये जो होता है प्रकंद होता है। आम किस कुल से संबंध रखता है, मैलियेसी, सोलेनेसी, लोगनियेसी या एनाकार्डियेसी। दोस्तों, आम जो होता है वो एनाकार्डियेसी फैमिली का से संबंध रखता है। बिलो की लकड़ी प्रयुक्त होती है, क्रिकेट के बल्ले बनाने में, हॉकी स्टिक बनाने में, दवाइयाँ बनाने में या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, बिलो की जो लकड़ी होती है वो क्रिकेट के बल्ले बनाने में प्रयुक्त होती है, सेलिक्स अल्बा। लाल चना है, मूंग, अरहर, सोयाबीन या मटर। और ये साइड में जो है इनके बॉटनिकल नेम भी दिए हुए हैं, इसको भी आप देख सकते हैं। दोस्तों, लाल चना कहा जाता है अरहर को। आगे बढ़ेंगे, निम्न में से कौन सा पौधा सर्पगंधा कहलाता है, सिनकोना, पेपावर, रावोल्फिया या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, रावोल्फिया जो है ये सर्पगंधा कहलाता है। अगला प्रश्न, मक्का के दाने से निकाला जाता है जिएटिन, थायमिन, लाइसिन या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, मक्का से जो निकाला जाता है दाने से वो होता है जिएटिन, तो विकल्प ए सही है। शक्कर गन्ने के अतिरिक्त किस फसल से प्राप्त होती है, शकरकंद से, आलू से, कुचला से या चुकंदर से। तो दोस्तों, ये प्राप्त होती है चुकंदर से। इंडियन रोजवुड का वनस्पतिक नाम क्या है, टेक्टोनो ग्रैंडिस, सागौन या सोरिया रोबस्टा सॉल या डलबर्जिया सीसो सीसम या मैंगी फेरा इंडिका आम। दोस्तों, इंडियन रोजवुड जो है वो डलबर्जिया शीशो है, यानी कि शीशम। क्यूनीन निम्न में से किसकी छाल से प्राप्त होती है, धतूरा स्ट्रामोनियम, एट्रोपा बेलाडोना, पेपावर सोमनीफोरन या सिनकोना। दोस्तों, जो कुनैन या क्यूनीन प्राप्त की जाती है वो सिनकोना की छाल से प्राप्त होती है। रेसर पीन निम्न में से किसकी जड़ से प्राप्त होता है, शीशम, धतूरा, सर्पगंधा या साल। दोस्तों, रेसर पीन जो है ये सर्पगंधा की जड़ से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न,
एट्रोपा बेलाडोना के किस भाग से बेलाडोना की औषधि प्राप्त होती है? तने से, जड़ से, पत्तियों तथा जड़ से, या पौधे के सभी भागों से? ये भी प्रश्न बहुत ही अच्छा है। तो ये प्राप्त होती है पत्तियों एवं जड़ से। गेहूं का दाना है, बीज है, भ्रूण है, फल है या तना है? तो दोस्तों गेहूं का दाना जो है एक फल है। हॉकी स्टिक बनाई जाती है मोरस एल्बा से, साल से, तूम से या आम से? बताइए। हॉकी स्टिक बनाई जाती है दोस्तों, हॉकी स्टिक जो बनाई जाती है वो मोरस एल्बा से बनाई जाती है, तो विकल्प ए सही होगा। अगला प्रश्न, कौन से प्रोटीन दालों में अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं? लाइसिन, थियोनीन, ल्यूसीन, वेलिन, ग्लूटामीन या ग्लाइसिन, प्रोलीन या वेलिन? प्रोटीन दालों में अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं दोस्तों, लाइसिन और थ्रियोनीन ये जो हैं अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न, चाय में उत्तेजक गुण इनमें से किस एल्कलाइड के कारण होता है? टैनिन, कैफीन, कैफियोटॉक्सिन या थियोम्ब्रोमीन? बताइए। चाय में उत्तेजक गुण किसके कारण पाया जाता है? तो ये पाया जाता है कैफीन के कारण। अगला प्रश्न, किस खाद्यान्न के अधिक खाने से पेलाग्रा नामक रोग का प्रकोप होता है? ज्वार, मक्का, रागी या चना? दोस्तों खाद्यान्न की अगर बात करें तो ज्वार को खाने से जो है ये हो जाता है। अगला है, किस फल में लोहा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? आम, अमरूद, जामुन या करौंदा? दोस्तों करौंदे में जो है लोहा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगला प्रश्न, किस वनस्पति तेल का उपयोग वाटर प्रूफ कपड़ा तैयार करने में किया जाता है? सूरजमुखी, अरंडी, कुसुम या खस? वाटर प्रूफ कपड़ा तैयार करने में किया जाता है दोस्तों, कुसुम का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, अधोलिखित में से किसका तेल हृदय रोगियों के लिए काफ़ी उपयुक्त है? सूरजमुखी, कुसुम, मूंगफली या सरसों? तो दोस्तों सूरजमुखी का जो तेल होता है वो हृदय रोगियों के लिए काफ़ी उपयुक्त होता है। सेब, आड़ू, स्ट्रॉबेरी, अखरोट के फल वृक्ष किस जलवायु से संबंधित हैं? उष्ण कटिबंध, उपोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध या उपरोक्त सभी? तो दोस्तों ये जो अखरोट के फल हैं ये शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्रों से संबंधित हैं। अखरोट में कुल वसा का प्रतिशत कितना होता है? 69.8, 84.4, 64.4 या 68.4? तो दोस्तों अखरोट में जो है वसा का प्रतिशत होता है 68.4%। अगला प्रश्न, फलों में अधिकतर कौन सी शर्करा पाई जाती है? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज या गैलेक्टोज? ये भी प्रश्न बहुत ही अच्छा है दोस्तों, इसमें जो फलों में पाई जाती है वो फ्रक्टोज पाई जाती है। सब्जियों से मुख्यतः हमें प्राप्त होता है वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या विटामिन्स? दोस्तों सब्जियों से हमें मुख्यतः विटामिन्स प्राप्त होते हैं। कौन सा पादप उत्पादन नहीं है? कैफीन, पिपेरिन, निकोटीन या सैकेरिन? दोस्तों सैकेरिन जो है ये उत्पाद नहीं है। अगला प्रश्न, समुद्री खरपतवार में निम्नलिखित में से मुख्यतः क्या पाया जाता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन? बहुत बार आपको जो है बता चुका हूँ, समुद्री खरपतवार में जो है आयोडीन होती है, विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, प्रकाश संश्लेषित समुद्री पादप कितनी गहराई तक पाए जाते हैं? 20 से 30 मीटर, 180 से 200 मीटर, 980 से 1000 मीटर या 1800 से 2000 मीटर? दोस्तों जो प्रकाश संश्लेषित समुद्र पादप हैं वो केवल 20 से 30 मीटर की गहराई तक पाए जाते हैं, क्योंकि यहीं तक जो है सूर्य का प्रकाश जा सकता है। लाल चने से कौन सा एंजाइम मिलता है? यूरियस, जाइमेज, माल्टेज या डाइस्टेस? दोस्तों इसमें मिलता है डाइस्टेस। मसाले की सौरभ और सुवास किसके कारण होती है? अनिवार्य तेल, फिनोल, एरोमेटिक अमीनो अम्ल या हार्मोन? दोस्तों ये होती है एरोमेटिक अमीनो अम्ल के द्वारा। पके हुए अंगूरों में होता है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज या माल्टोज? दोस्तों पके हुए अंगूरों में ग्लूकोज पाया जाता है। चाय पत्तियों के संसाधन में कौन सी क्रिया आवश्यक नहीं है? बेलन, शुष्कन, किण्वन या ग्लानन? दोस्तों चाय पत्तियों के संसाधन में
ग्लानन की क्रिया आवश्यक नहीं है। वनस्पति संग्रहालय यानी कि हर्बेरियम क्या होता है? आप सभी जानते हैं हर्बेरियम जो होता है वो पौधों के शुष्क नमूनों का परिरक्षण केंद्र होता है। और इस अगला प्रश्न संगरोध विनिमय का संबंध है। पौधों की बढ़िया किस्म पैदा करने से, रोग युक्त जीव के प्रवेशन को रोकने से, रोग युक्त पौधों का कीटनाशी का छिड़काव करने से, रोग युक्त जीव की पहचान करने से। ये भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। संगरोध विनिमय का संबंध होता है रोग युक्त जीव के प्रवेशन को रोकने से। अगला प्रश्न, बीटा ब्लॉटर एक औषधि है बचाने हेतु। आपके ऑप्शन हैं हृदयाघात से, प्रोटेस्ट ग्रंथि के बढ़ने से, चिरकालिक मधुमेह से, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों बीटा ब्लॉटर का प्रयोग किया जाता है हृदयाघात, हार्ट अटैक से बचाने में, बीटा ब्लॉटर। आगे बढ़ेंगे, विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? ताड़ का तेल, नारियल का तेल, गेहूं का अंकुर तेल, या राई का तेल, बताइए। ये भी प्रश्न बहुत ही अच्छा है। तो गेहूं का जो अंकुर तेल होता है वो विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत है। अफीम का मुख्य अवयव है मॉर्फिन, हेरोइन, एट्रोपिन या क्विनिन। दोस्तों जो अफीम का मुख्य अवयव माना जाता है वो होता है मॉर्फिन। निम्नलिखित सब्जियों में सर्वाधिक विटामिन सी किस में पाया जाता है? मिर्च में, कुम्हड़े में, मटर में या मूली में। तो दोस्तों सर्वाधिक विटामिन सी इसमें से पाया जाता है मिर्च में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अल्फा लिनोलेनिक अम्ल यानी कि 18 कार्बन युक्त ओमेगा 3 फैटी अम्ल का सर्वोत्तम स्रोत है? मोठ, जई, मूंग या अलसी। दोस्तों ओमेगा 3 सबसे ज़्यादा पाया जाता है अलसी में, तो विकल्प डी सही होगा यहाँ पर। आगे बढ़ेंगे, येलो वेन मोजक गंभीर बीमारी है बैंगन की, भिंडी की, मटर की या पत्ता गोभी की। दोस्तों ये जो बीमारी होती है ये होती है भिंडी में, येलो वेन मोजक बीमारी। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का। अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, प्रश्न अच्छे लगे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अभी हमारे पास यूपी टेट के लिए दो एक दो दिन है, तो मैं और ज़्यादा प्रश्न यहीं से करवा दूंगा। हाल ही में हमारे वैज्ञानिकों ने केले की एक नई और भिन्न जाति की खोज की है जिसकी ऊंचाई 11 मीटर तक है। उसके फल का गूदा नारंगी रंग का है। यह भारत के किस भाग में खोजी गई है? आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं, अंडमान द्वीप, अन्नामलाई वन, मैकाल पहाड़ियाँ या पूर्वोत्तर उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। दोस्तों इसकी खोज की गई है अंडमान द्वीप में, तो विकल्प सही होगा विकल्प ए। दोस्तों वीडियो यदि आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो ऐसे ही लगभग 100-200 प्रश्न और करवा दिए जाएंगे जिससे यूपी टेट का जो पर्यावरण का सेक्शन है उसमें आप 30 में 30 अंक ला सकें। मैंने बहुत सारे प्रश्न करवा दिए हैं, 1000 पिछले एक हफ्ते में 1000 प्रश्नों की पूरी सीरीज करवा दी है, कोई भी प्रश्न छूटा नहीं है। लेकिन जो थोड़ा सा उच्च स्तर के प्रश्न हैं उनको भी करना ज़रूरी हो जाता है। तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे, यदि अच्छा रिस्पॉन्स आपका रहता है तो निश्चित रूप से मैं कुछ और प्रश्न करवाने की कोशिश करूँगा। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।